शहद अदरक का रस एक एक चम्मच मिला के चाटो, वो भी बढ़िया है। आप प्राणायाम में अनुलोम विलोम ज़्यादा करो, लंबा धीरे धीरे लो, लंबा धीरे छोड़ो, आपके लिए बढ़िया है। अनुलोम विलोम ज़्यादा करो, सिर्फ मुद्रा से भी लाभ मिल जाता है, अनुलोम विलोम से लाभ मिलता है। और जो भी खाओगे चबा के खाओ, जल्दबाजी में नहीं खाना। और यदि हम ऐसे करते हैं, जिनको दमा अस्थमा है, सांस का रोग है, सांस फूलता है, तो एक कपूर ले लो, भीमसेन कपूर 100 ग्राम ले लो, इसको दो पुटली कर लो, कपड़े में बांधो, 50 ग्राम जेब में रखो और 50 ग्राम तकिया के पास रख दो, जो उसका गंध नाक में जाएगा तो जिनको हॉस्पिटल लेना पड़ता है, ऑक्सीजन लेना पड़ता है, इसे रख सकते हो, रखते हैं तो उनको हॉस्पिटल लेना नहीं पड़ेगा। आप कपूर रखते हो पास में, हाँ हॉस्पिटल लेना पड़ता है, नहीं नहीं हॉस्पिटल नहीं जाता मैं, हॉस्पिटल नहीं जाता है, तो ये कपूर बांध के रखने से एक जेब में रखोगे, कपूर इसके अंदर जेब में रखोगे, एक तकिया के पास रखोगे गन जाएगा। लेकिन ये यदि मुद्रा रख दोगे हर एक घंटे में, यदि एक ये मुद्रा रख दोगे तो पहला दिन से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं दर्शकों को सुझाव दूंगा, ये कल ले खाली पेट नाश्ते खाने का, 2 घंटा बाद लंबा ले, लंबा छोड़े, प्योर ऑक्सीजन में, शुद्ध हवा में, खिड़की दरवाजा अलग करके करें, खाने का नाश्ते का 1 घंटा बाद भी कर सकते हैं, सो के भी लेट के बैठ के पैर लंबा करके कर सकते हैं, किसी भी हालत में कर सकते हैं, सिर रीढ़ का हड्डी गर्दन सिधार के करना है। और यदि हम अनुलोम करेंगे और खान पान जो परहेज करना है करते हैं, तो इससे भी हमारा बीमारी ठीक हो जाता है। सभी को ओम प्रणाम। मेरे को सांस की प्रॉब्लम थी गुरु जी, हाँ जी, तो इन्हेलर लेना पड़ता था मेरे, फिर सर्दी में, लेकिन अब अभी करीब इस साल मेरे को इन्हेलर नहीं लेना पड़ा, लेना पड़ा, ठीक है। तो कपूर रखने भी होता है, तो इसी प्रकार हम यदि करते हैं इससे भी ठीक होता है। सभी को ओम। गुरु जी यहाँ देखिए, कपूर का अलग अलग नाम भी है, और इंग्लिश में इसे कैम्फर बोलते हैं, उड़ा में कपूरो, कन्नड़ में कपूर, तेलुगु में कपूरम, और बंगाली में कपूर, मराठी में कापूरा, इसमें अलग अलग नाम है। तो इनको ले लेंगे 100 ग्राम, 50 ग्राम जेब में रखेंगे पुटली बना के कपड़े से 50 ग्राम, और तकिया का पास रहेंगे जहाँ सोते हैं, पीलो का पास। तो इसे जिनको सांस फूलता है, हॉस्पिटल लेना पड़ता है, इमरजेंसी में एम्बुलेंस में लेना पड़ता है, और उनको लेना नहीं पड़ेगा, परंतु पानी सामान्य पानी, नॉर्मल पानी ज़्यादा पिए, नॉर्मल पानी नहीं मिलता है, पानी गर्म करके और मिला के, गर्म की मौसम की तरह जो ऐसे पानी रहता है सामान्य पानी, ऐसे बना के ठंड गर्म पानी मिला के पी ले, बस सूर्य का किरण से गर्म करके भी और पी ले, और मुंह बंद रखें, नाक से सांस लंबा ले छोड़े, इससे सांस फूलेगा नहीं, हॉस्पिटल लेना नहीं पड़ेगा। यदि भीमसेन कपूर नहीं मिलता है किसी भी अलग कंपनी का, बढ़िया वाला क्वालिटी का कपूर ले लें, इससे भी हो जाएगा। पंसारी दुकान में भी भीमसेन कपूर मिलता है। और इसी तरह अलग अलग बीमारियां जानकारी लेने के लिए मेरा जो YouTube चैनल का जो लिंक है, जयशंकर पतंजलि, इनको सब्सक्राइब करें, भविष्य में जो भी मैंने वीडियो डालूंगा आपको मिल जाएगा। ऋषि मुनि का खोज है, सभी प्रामाणिक परीक्षित है, भय करना कुछ नहीं है, और जरूर प्रयोग कर लीजिए, लाभ लीजिए, और सभी मित्रों को अलग अलग ग्रुपों में जरूर भेजें, उनको हित के लिए भेजें, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में बीमारियां लगभग ठीक हो जाएगा, नहीं तो बहुत सामान्य मूल्य में बड़ा से बड़ा बीमारियां ठीक करने के लिए मैं आपको जानकारी दिया हूँ और भी देते रहूँगा। सभी ऋषि मुनि का खोज है, परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आर्यवैष्णव में आचार्य श्री श्री गुरु जी का कृपा से, ऋषि मुनि का खोज से ये सब जानकारी आपको जरूर मिल जाएगा। सभी को ओम प्रणाम।